बता दीजिए आपका नाम और ये यात्रा जो शुरू की, कैसे मन में आई यात्रा? हाँ जी, सारा बता दीजिए। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं शिवराज सिंह शेखावत जयपुर राजस्थान से 11 दिसंबर 2021 को रामेश्वरम तमिलनाडु से पद यात्रा प्रारंभ की। यह यात्रा 2.5 वर्ष तक चलेगी और इस यात्रा के दौरान 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी किए जाएंगे। और अभी तक मैंने 13 राज्यों की यात्रा कर ली है। अब पंजाब में एंटर हुए हैं, 14 राज्य हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर होते हुए अब पंजाब में एंटर हुए हैं। इस पदयात्रा का उद्देश्य है कि गौवंश को, देसी गौवंश को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, गौ हत्या पूर्णतः पूरे भारत में बंद हो और गौ माता को एक राष्ट्रीय दर्जा मिले, इसके लिए पदयात्रा की जा रही है। सुनने में आया कि आप कोई बढ़िया नौकरी भी करते थे, फैमिली अच्छी थी, फिर फैमिली के साथ कोई बातचीत हुई इस यात्रा को लेकर, या उन्होंने कहा कि रोका आपको कि मत कीजिए? जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, 2017 में पास आउट हूँ महर्षि अरविंद कॉलेज जयपुर से, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा से। और उसके बाद में मैंने जॉब भी किया। और फैमिली को देखो, आज कोई भी व्यक्ति निकलेगा फैमिली को छोड़ेगा तो जाहिर सी बात है एक दो दिन तो आप फैमिली की तरफ से ऑब्जेक्शन होगा, लेकिन बाद में फैमिली का पूरा सपोर्ट है अभी भी मेरे को। और फैमिली बोल रही है कि अच्छा है, आप अपने धर्म के लिए काम कर रहे हो, आप कुछ गलत रास्ते में तो जाने रहे, तो फैमिली का फुल सपोर्ट है मुझे। लोगों को कैसे जागरूक करें आप अलग अलग राज्यों में जाकर? अलग अलग राज्यों में जाके अलग अलग लोगों से मिलना, वहाँ की मीडिया से मिलना, वहाँ की गौशालाओं की कंडीशन देखना, और उन सबको देसी गौवंश को बढ़ावा मिले। और सब युवा जनरेशन वाले हैं वो, और जो भी हमारे पीढ़ी में जो नौजवान आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन सबको गौशाला ले जाया जाए ताकि लोग बाग बचपन से ही गौशाला से जुड़ना प्रारंभ करें, ताकि उनके मन में वो भाव बचपन से पैदा हो गौ माता के प्रति, ताकि वो बड़े हो उसके बाद में उन्हें गौशाला में जाने में शर्म ना आए। मत नहीं हूँ, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, गवर्नमेंट सिर्फ कहती है, उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। गवर्नमेंट कहती है कि हम गौशाला वालों को इतना फंड देते हैं, और वो देखा जाए तो सरकारी गौशालाओं में भी वो फंड, वो चारा पहुंच नहीं पाता, प्राइवेट की तो बहुत बात दूर की है। तो मैं अभी पंजाब हूं तो मैं पंजाब सरकार से भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि गौ माता के लिए जितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो पाए चारे की, वो आप व्यवस्था करवाएं। क्योंकि काफ़ी देखता हूं मैं प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह में भी, फैक्ट्रियों में भी जो अपने गेहूँ का चारा होता है उसको यूज़ किया जाता है पैकिंग वगैरह मटेरियल में, तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ गौ माता के लिए यूज़ करें और चारे की रेट कम करें ताकि उसको बढ़ाए नहीं। और गवर्नमेंट की तरफ से हर राज्य में प्रावधान किया जाता है कि पर गौ माता के लिए पर डे के हिसाब से 50 रुपये 60 रुपये आपको अलोकेट किए जाएं। तो मैंने हर राज्य में देखा, किसी में वो सुचारू रूप से व्यवस्था चलती है, किसी में नहीं चलती। और पंजाब में तो काफ़ी गौशालाओं में प्राइवेट में गया, बोलते हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फंड नहीं मिलता, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट गौशालाओं में भी नहीं मिलता। तो इसकी जो प्रोसेस है उसको एकदम सरल किया जाए, और वो जो आपकी गौशालाएं हैं उनसे आपको डेटाबेस लेना चाहिए कि देसी गोवंश कितना है, एचएफ कितनी है, जर्सी कितनी है। और मेरा ये है कि देसी गोवंश को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिले। क्या संदेश देना चाहेंगे आम लोगों को गौ माता को लेकर? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर यह प्रयास करना पड़ेगा कि गौ माता के पंचगव्य से निर्मित जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी हम डिमांड बढ़ाएँ। उनसे साबुन भी बनती है, सर्फ भी बनती है, फिनाइल भी बनता है, हज़ारों प्रोडक्ट बनते हैं। तो उनकी जब हम डिमांड बढ़ाएंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो लोग बाग गौशाला अच्छे रूप से चला पाएंगे और गौवंश को कटने से बचा पाएंगे। तो मेरी यही विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा है ना गौ माता से निर्मित जो प्रोडक्ट है, पंचगव्य से निर्मित, उनकी उपयोगिता को बढ़ावा मिले ताकि ये मैसेज अधिक से अधिक पहुँचेगा और लोग बाग गौ माता को अपने घर में रखना प्रारंभ करेंगे, और सभी ज़्यादा से ज़्यादा देसी गोवंश का जो दूध होता है उसको बढ़ावा दें। ताकि हमने सुना होगा कि जितने भी हमारे देश में वीर नौजवान हुए हैं उनकी माताओं ने गौ माता का दूध पीके ही उनको जन्म दिया है, और आजकल हम देखते हैं कोई भी महिलाएं गर्भवती होती हैं तो देसी गोवंश का दूध नहीं पीती, तो उनकी संतान कैसे होती है वो आपको सामने नज़र आता है। तो देसी गोवंश का जो दूध होता है देसी गौ माता का, उसको पिएंगी गर्भवती महिलाएं तो भी उनके लिए भी बहुत लाभदायक होता है। जी।